अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मसाला प्रश्न है, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या चाहिए, यानी इसका हमें आयतन निकालना है। यहाँ देख सकते क्या ये छिन्नक है, उसके बनाने के लिए छिन्नक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, छिन्नक का आयतन। जो दिया हुआ 45 सेंटीमीटर ऊंचा है तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एच बराबर 45 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ ऊंचाई यानी सिरों की त्रिज्या 28 और 7 दिया हुआ, इसलिए आर वन बराबर 28 सेंटीमीटर लिखेंगे और आर टू बराबर 7 सेंटीमीटर, दोनों हो गया। मैं निकालना है इसका आयतन यानी छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर फॉर्मूला तो वन में 3πh ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू, ये फॉर्मूला हो गया छिन्नक का। अब इसी फॉर्मूला में इसका मान जो है भर देंगे और सॉल्व कर देंगे, 1 में 3 जो 1 में 3 पाई का मान होता है 22/7, हम लिखते हैं 22/7 और एच एच का मान दिया हुआ 45 यानी 45 ब्रैकेट में आर वन का स्क्वायर, आर वन का जगह दिया हुआ 28 तो 28 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस आर टू, आर टू का मान दिया हुआ 7 तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर दिया हुआ प्लस आर वन इंटू आर टू यानी 28/7 ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कुछ यहाँ पे कट रहा है क्या, हाँ 3 से इसको 45 से भाग दे सकते हैं, 3 से कटेंगे 15 से 45 यानी 3 भाग देंगे 45 को 15 में कट जाएगा, 15 को हम 22 से गुना करते हैं, 15 दूना 30, 30 के 0, 15 दूना 30 सत्तीस 33 यानी 330 यहाँ पे आया बटन 7, 22 को हम 15 से गुना किए 330 आया बटन 7 है 7 दिया, यहाँ 28 है तो 28 का स्क्वायर करेंगे यानी 28/28 आठ अड़ी 64, 64 के 4, 8 में 6 ठीक है, 8 दुना 16, 16 और 6 22 ठीक है, फिर ये यहाँ 0 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, 16 के 6 हाथ में 1, 2 दुना 4 और हाथ में 5, 4 8 7 ठीक है, सबको जोड़ दिए कितना है 784 यानी 28 का स्क्वायर यानी 28/28 700 यहाँ पे 84 आएगा प्लस 7 का स्क्वायर 7 है 50 प्लस 28/7 28/7 7 8 56 का 6 हाथ में 5 7 दुना 14 14 और 5 19 196 आया, ध्यान देखते हैं 196 ठीक है, 330 प्लस 7 तीनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे ठीक है, 784 यहाँ पहला में दूसरा में 49 यहाँ लिखते हैं ठीक है, जोड़ते हैं 9 और 4 13, 13 का 3 हाथ में 1 बस किया 8 4 12 हाथ में 1 13 का 3 हाथ में 7 अरे 8 ठीक है, जोड़ लेंगे अपने से भी आप जोड़ के देख सकते हैं कितना 833 यहाँ पर समझ के 196 फिर यहाँ पर 196 लिखते हैं 6 और 3 9 9 और 3 12 12 का 2 हाथ में 8 1 9 और हाथ में 10 1029 आया, ये हम डायरेक्ट लिखते हैं 1029 ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों गुना भी कर सकते हैं, परंतु 7 से इसको भाग देख देखते हैं, भाग लग जाएगा तो अच्छी बात है, 7 से इसको भाग देते हैं, 7 से हम भागा देंगे बटन 7 से 7 से भागा देंगे 1029 को, 17/7 एक बार में 7 × 3 = 10 3 बच गया ऊपर 17 × 2 7 × 6 = 28 7 × 5 = 35 5 में ज्यादा आ रहा है इसलिए 4 बार लेंगे 7 × 6 = 28 घटाएंगे 12 में 8 तो 4 आया कर रही है ऊपर 17 × 9 7 × 7 = 49 यानी पूरा पूरा भागा लग गया 7 से कितना बार में 147 बार होती है, इसको काट देंगे यहाँ पर 147 और 330 को हम इंटू करेंगे 147 से, उसको जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 330 है तो यहाँ पे 330 को हम क्या लिखते हैं केवल 33 लिखेंगे और यहाँ 147 लिखेंगे, 147 और 33 से इंटू कर देंगे यहाँ पे 0 छोड़ दिए आंसर इसे समय 0 हम बैठा देंगे, 7 × 21 के 1 हाथ में 2 बस गया 4 × 3 = 12 12 × 2 14 × 14 = 4 हाथ में 1 भी बस गया 3 × 3 और हाथ में 4 ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं 3 × 21 के 1 हाथ में 2 3 × 12 12 × 2 14 × 14 = 4 हाथ में 3 और 4 147 को हम 3 से बना के ये आया, फिर 147 से फिर क्या 3 है सेम चीज आएगा, यहाँ लिखते हैं 4 4 1 0 1 की जगह 1 5
8, 4, ठीक है, कितना है, 1 1 4 1 5 4 4 8 4, यानी 4 8 5 1, यानी 147 को हम 33 से गुना करेंगे तो 4 8 5 1 आएगा, और यहाँ पे जीरो था इसलिए पे एक जीरो बैठा देते हैं, ठीक है, 4 8 5 1 0 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखे, यहाँ पे क्या दिया, सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया, उसने सेंटीमीटर क्यूब लिखे, ये हमारा आंसर हो गया छिन्न का आयतन, ठीक है। अब इसका आगे पढ़े हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।